ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 29 जुलाई गुरुवार आज के मकर राशि के दैनिक राशिफल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज के दिन किसी की गलत बात का समर्थन बिल्कुल ना करें, अन्यथा जवाबदेही आपकी भी बन सकती है। साथ ही ऑफिस में कामकाज का बोझ अधिक रहेगा, इससे मन तनावपूर्ण रह सकता है। दोस्तों नौकरी में उन्नति की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए परिश्रम में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना लाएं। साथ ही बड़े कारोबारी बड़े पैसे के लेन देन में चूक कर सकते हैं, सावधानी रखें। साथ ही कर्ज में पैसे देते समय विशेष सावधानी रखें और साथ ही बाजार का अंदाजा लगा पाना आज असंभव होगा। जीवन साथी से किसी बात पर विवाद की संभावना बन सकती है, धैर्य के साथ विवादित मामलों को हैंडल करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में। आज घर परिवार में किसी सदस्य से कहासुनी होने की संभावना बन रही है, आप अपने गुस्से पर काबू रखें। साथ ही साथ संतान की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको इनकी तरफ से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और साथ ही अपने शत्रुओं की गतिविधियों पर भी पूर्ण नजर रखें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और साथ ही पैसों के लेन देन में जरूरी सावधानी रखें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। कार्य क्षेत्र और व्यापार में तरक्की मिल सकती है, साथ ही व्यापार में थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। साथ ही नौकरी करने वाले लोगों को मनचाही यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा, इसका आपको भविष्य में जरूरी लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर चल रहा मतभेद दूर हो सकता है, आप मामलों को शांतिपूर्ण सुलझाने की कोशिश करें। साथ ही दाम्पत्य जीवन में मधुरता और प्रेम का माहौल बना रहेगा और साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में समय बिता रहे लोगों को सफलता मिलने की उम्मीद है, किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक रहेगी, लव लाइफ में बेहतर सुधार आएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। वाहन और मशीनरी के प्रयोग से सावधानी बरतें और साथ ही अधिक दूरी की यात्राओं से शारीरिक थकान और मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। पीठ दर्द और बदन दर्द जैसी समस्याओं से बचने के लिए नियमित योग और व्यायाम करें और साथ ही डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और स्वस्थ रहें। तो आज आप ये उपाय अवश्य करें, भगवान श्री हरि विष्णु जी को मिष्ठान का भोग लगाएं और साथ में मीठी खीर का भी भोग लगाएं और साथ ही खीर का प्रसाद भी बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें और इसके साथ ही 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाएंगी। दोस्तों आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।